यूनुस जान मोहम्मद डाका साहब, जारी खाल है ऐसे भी इस सवाल जहन में पहले ये चेतो के इंटरेस्ट मेमन कम्युनिटी जो बिजनेस पढ़ाई के अंदर भी स्पेसिफिक फील्ड हाजी जर्नलिज्म जो तस्वुर टीवी के अलावा बी चीज भी तस्वुर करी सबू था, लेकिन मेमन सीएसएसपी जो एग्जाम पास करी एस डी एम या डिप्टी कमिश्नर के लेवल से अचे इनो तो बहुत ओछो तस्वुर आई तो आए कि जहन में प्लान बनाने आया इन तीन या इन तरीकेकार एंट्री जो वाकई गाल सही है कि पांजे इतने कोई अड़ो माहौल नहीं कि इनको कोई रुझान बने ना पांजी कम्युनिटी में इवन कराची में जनरली भी जितरो पंजाब में सीएसएस जो नो हाउ है मतलब माड़े खबर है उतने की सीएसएस के बारे में कराची में इतरो आई ना कैरियर गाइडेंस सही ना ने थोड़ो मटीरियलिस्टिक भी पांजे दे वधारे हैं कि भाई पैसों बनाए नेचुरली जो असाजी जॉब्स हैं तो इनमें जो आमदनी या जो आज पगार है वो लिमिटेड है पगार वाइज काम इन मैंने, लेकिन इन मामले में आओ थोड़ो लकी हो या किस्मत सारी हुई मेरी कि मेरे वाले साहब जो इन आज जानवर साहब तो उन्हें हमेशा से काफ़ी बचपन से मुझे चुना करना हुआ तो जो पढ़ाई में सारो हैं तो सी एस पी करी जो उन जमाने में सी एस पी चुना हुआ हाँ सी एस एस चुन में तो सी एस पी करी तो इन लिहाज से मेरे जहन में ये गाल हमेशा विजय में आ गई एजुकेशनल बैकग्राउंड सारो वो सारी स्कूलें पढ़ाया पढ़ाई मत हमेशा जोर दी नहीं तो सी एस एस पची आओ 84 के अंदर असल में बहुत किस्म के एग्जाम थी अगर प्रोविंशियल सिविल सर्विस एंड सेंट्रल सुपीरियर सर्विस सी एस एस तो प्रोविंशियल जो रेगुलर नहीं वो पंज वे कदे थी लेकिन फेडरल जो इन सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जो हर वर्ष थी एग्जाम हर वर्ष 100-150 पोस्ट डिफरेंट कस्टम्स में असिस्टेंट कलेक्टर्स हूँ पुलिस में ए एस पी हूँ फॉरन सर्विस इनकम टैक्स बारह ग्रुप हैं आओ अपीयर थी 84 के अंदर 84 में लकीली वो भी वो प्रोविंशियल जो भी एग्जाम हो प्रोविंशियल एग्जाम में आओ अपीयर थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उनमें मुझी सिंदरबन से फर्स्ट पोजिशन आ गई उतें भी से भी एज असिस्टेंट कमिश्नर आऊँ सेलेक्ट थे सेम ईयर आऊँ अप्लाई करूँ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में करो कि उनमें प्रमोशन वगैरह रैपिड एंड ने काफ़ी बेहतर सर्विस है प्रोविंशियल का ना उनमें आऊँ अपीयर थी उनमें भी आऊँ सिंदरबन से टॉप करूँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में लियो तो उतें से भी आऊँ असिस्टेंट कमिश्नर थी ना हुए इनके बाद हाँ मुझे वो महीने पहला प्रमोशन थो ग्रेड 18 में थी हाँ डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर असल में माण्हू जो तस्वुर आई कि ही गवर्नमेंट सर्विस या सिविल सर्विस के अंदर उज माण्हू अची सके तो जिनकी कोई पहुच या सिफारिश हो तव्हांजे ख़्याल में हिकिड़ो सिफारिश जो इन जो हिसो आई या कोई मेरिट वारो माण्हू चाहे तो अची सघे थो इन जे अंदर बाक़ी सी एस एस हिकिड़ी एग्ज़ाम आहे कि जो कि ऐं कंहिं मेरिट ते मिलंदो इन जे अंदरि कोई सिफारिश या कंहिं ज़रूरत ई न आहे सिर्फ़ु जो आंजी पढ़ाई आहे सिंपल ॿ चारि छह महीना जो आहे लॻी न पढ़िया आहियो मेरे ख्याल है जो इनजो सिलो मिले तो या जो आए के इनकी मेहनत जो फल मिले तो काफ़ी सारो है कस्टम असिस्टेंट कलेक्टर लगंदा पुलिस के अंदर असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ए एस पी लगंदा असाजी जॉब में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड एस डी एम तो मुझे ख्याल है कि ने जिदा सुधी सवाल है कम्युनिटी की सर्वाइवल जो तो कोई भी कम्युनिटी उन वक्त तक पोते जी ना रिस्पेक्ट हासिल करी थी सके बी कम्युनिटीज़ की नस्बत ना पोते जी रिकग्निशन आए मतलब कितना भी सारा कम करना है आज रिकग्निशन भी उन टाइम तक नहीं जैसे सुधी जो पावर बेस है उनके अंदर आज रिप्रेजेंटेशन ना हो उनके अंदर आज नुमाइंदगी ना हो पावर बेस जो है पाँच ब्यूरोक्रेसी उनमें पाँच नुमाइंदगी थी नहीं खपे पाँच छोकरे के अगे अचनो खपे सही गाल न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जितना मुंतखब माड़ू थे था हर फील्ड के अंदर पाँच छोकरा सारी में सारी पोजिशन गिने था जैसे पाँच चीज सुनी रही अभी प्लेटफॉर्म से जो कॉन्सेप्ट पाँच दूर थी खपे कि सिविल सर्विसिज के अंदर भी मारो अगर पढ़ी ने मेरिट तत्नु चाहे तो ये नामुमकिन गाल ना ही अने पाँच का अची सकूँ थाड़ो आऊँ आखिरी सवाल से पहले सवाल बो पुछी कहूँ कि आऊँ कि मेमन कम्युनिटी जो बिजनेस सबको करी रही आई या कारोबार में नंढी नंढी दुकान पर भी वेठा है तो गवर्नमेंट सर्विसिज के अंदर जो माड़ू आई चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो या कोई माड़ू भी हो मेमन कम्युनिटी के अफराद के
बकौल आईएनजी अल्फाज दे कि फ्राइड फिश या फ्राइड चिकन समझे था इनके, तो ताकि बस मेमन कम्युनिटी से जो भी लूटना चाहे लूटी गिने। तो गाय पोते के अगर कमजोर रखना, हाँ तो कमजोर के एक्सप्लॉइट भी करे मैं चलो। हाँ मेमन वाकई पुलिस वाले अच्छे लगे तो रात चो चेकिंग जाने तो समझे तो मुर्गिया था भैया रात चो में घना अड़ा फोन आ जाता आकड़े वगे डेढ़ वगे त्रे वगे बो वगे तो जिते मदद करी था सकूँ करी था दियो। लेकिन हाँ मिजे सुधी या मिजे सर्कल में कितना जाना होना 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 सही। लेकिन हाँ पाँच एडी वी कम्युनिटी है इनकी अगर कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सही तो वो बची ने अथे एक्सप्लॉइट भी थी ना वो लोग भी समझना क्या ठीक है इनको अगे वास्ते ना कोई बोलना पागे नहीं जी कोई इनकी सेव नहीं पाँच डिपार्टमेंट में जी पा करना है चारो थी विन। असल में फील्ड के अंदर कोई भी फील्ड के अंदर न सिर्फ इन वालदेन की जिम्मेदारी है कि गाइड करे बल्कि उन फील्ड के अंदर या उन कम्युनिटी के अंदर जो प्रोमिनेंट माड़ू आए जी आए पोते फील्ड के अंदर इंटाणी हो तो आई जी भी कोई जिम्मेदारी आए जरूर कि आए छोकरे के प्रोग्राम जो पानी कम्युनिटी के नौजवानों के टुकड़ो आई जहन में कोई प्रोग्राम करी आयो या जहन में कोई प्रोग्राम आए लोगों को गाइड करने जो ये सवाल मुझसे जैसे से मुझे सिलेक्शन थी ना तद से हली है खास कर बी कोई फोरम से शायद इतनी दफा ना थे लेकिन असाई जो कुतियाना मेमन एसोसिएशन है ये मुझे त्रे चार दफा अड़े प्रोग्राम से बरकाया ने ईच गाल हर दफा कि भाई बिया पाँच छोकरा अचन पाँच रिप्रेजेंटेशन वे मेमन छोकरा अचन के में जो प्लेटफॉर्म से असा प्रोग्राम शुरू करी है तो मुझे वो लोग तद कराची में जो है मुझी पोस्टिंग कराची में भी जैसे सुधी कराची में पोस्टिंग है तद सुधी टाइम दी तो सकता तो हफ्ते में बोर्ड ही उन्हें रखे हुआ कलाक बार क्या अचे असा एसोसिएशन में वे आई क्या बता रहा है कि भी छोकरा तैयार ना कर सके छोकरो भी ना आयो हाँ कोई महीनो डेढ़ महीनो वो उनके बाद बच्चे डिसाइड थे छड़ी नो छोकरा अचना भाई छड़ी दिन है पहले तो अचना हुआ कि ठीक है बतारो करो तो इनके जगह पा बता रहा हूँ कि ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो इतना महीना मेहनत करी अपने आए कि पढ़ियो हमनो पढ़ियो हमनो तो अच्छी बाद में उन्हें जो इंटरेस्ट दिखाओ ना आऊँ तो अजी भी तैयार है कि इन टाइम पर भी कोई अगर जी उस्मान गनी भाई पेशकश करिए इन तरीके से हर कोई चाहे तो कि पोते कम्युनिटी के कि भलो करी सके अगर कोई सारे मकाम जाए था तो ऊंच जज्बो में जो भी है ना भी चाहे तो के कोई डी ओके पानी कम्युनिटी के माड़ू अंदर वो जज्बो भी मौजूद है पानी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम भी करना चाहे थी लेकिन बुनियाद ही जाए कि लोगों जो तागुन अने लोग ऑरिएंटेशन के अंदर बनी विने कि इनमें हिस्सो गिने इन बो इंटरव्यूज से ये बो गालियों से पानी घणो अंदाजो थियो पानी घनी पानी कमजोरियों जिन जिन जगह से आई करो करो चीज पा जिनके सोची जनाई रही है वो चीज थी रही आई या किन किन तरह से पा के इन फील्ड में हिस्सों गिनो खपे असा मेमन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन तरफ से आए बोई मेहमानों जहाँ इंतहाई ममनून हूँ कि पौधे कीमती वक्त में असा वे प्रोग्राम में आया मेमन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से आए कि यादगारी शील पेश करण में अचे थी शील्ड इंशाला जैसे भी मतलब नारना तक याद रखू कि पहली बार मेमन कौम में ही प्रोग्राम थियो ने आई कि आयो मेहरबानी आया शुक्रिया।